नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोविड 19 का कहर जारी है और अभी तक पूरी दुनिया में लगभग 1,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 24 लाख से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अभी तक इस खतरनाक वायरस से लगभग 590 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अगर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कोविड 19 से लगभग 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और लगभग 197 लोग काल की गाल में समा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में कोविड 19 से लड़ने में ढाक के तीन पात ही चल पाया है और वो ये है कि इमरान खान लगातार पाकिस्तान को बचाने के लिए दुनिया से गिड़गिड़ाकर पैसे मांग रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान के हालात पर बात की जाए तो वहां पर कुछ कट्टरपंथी लोग भी इमरान खान की सांस फुलाए हुए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड 19 एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद ही फैलता है और अगर कहीं भी भीड़ इकट्ठा है तो उसमें अगर एक भी संक्रमित शख्स रहा तो वो दूसरे कई लोगों को इससे संक्रमित कर देता है और कट्टरपंथी सरकार की इसी गाइडलाइन को ही नहीं मान रहे। लगातार मस्जिद में इकट्ठा होकर नमाज, मजलिस और कई धार्मिक काम कर रहे हैं और कोविड 19 को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में इमरान खान नाक रगड़ कर रह गए लेकिन पाक जनता सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में कोविड 19 से संक्रमित लोगों का इलाज ही ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि पूरे पाकिस्तान में कहने को लॉकडाउन है लेकिन सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे पहले था। बड़े संस्थान और बड़ी कंपनियां बंद हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। इतनी हालत खराब होने के बाद खबर यह आ रही है कि खुद पाक प्रधानमंत्री इमरान खान एक कोविड 19 से संक्रमित शख्स से गलती से मुलाकात कर बैठे। खबरों की माने तो पाक पीएम इमरान खान कोविड 19 से संक्रमित हो गए तो कुछ का कहना है कि उनका टेस्ट करने के लिए भेजा गया है और खुद इमरान खान कोविड 19 से बचने के लिए क्वारंटीन हो गए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या इमरान खान पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, ये तो टेस्ट का रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल एहतियात के तौर पर पाक पीएम इमरान खान खुद ही अपने आप को अलग कर चुके हैं। इस खबर से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है।